नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन के लिए बहुत ही स्पेशल स्वीट लेकर आई हूँ। आज मैं हम सबकी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये गुलाब जामुन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। गुलाब जामुन मैं दो तरह से बनाऊँगी, एक तो ड्राई गुलाब जामुन, दूसरे चाशनी वाले गुलाब जामुन। दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये जामुन मैंने दूध और मावा से नहीं बनाए हैं। देखिए मैंने किस चीज़ से बनाए हैं, आगे बताऊंगी। और ये बन भी बहुत कम समय में जाते हैं। तो चलिए सबके फेवरेट गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में एक कटोरी मिल्क पाउडर डाल लेते हैं, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और थोड़े गुनगुने दूध को एक एक चम्मच डालकर सॉफ्ट डो बना लेते हैं। दूध एक एक चम्मच करके ही मिक्स करें, नहीं तो डो पतला हो जाएगा। हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर दें। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। इसे अधिक ना गूंदें और 15 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हम 2 कटोरी चीनी डाल लेते हैं। 2 कटोरी चीनी में 2 ही कटोरी पानी डालेंगे। इसे चलाते हुए चीनी मेल्ट होने देते हैं। देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। देखिए नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी साफ़ हो गई है। चाशनी को बस थोड़ा चिपचिपा रखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें सफ़ेद इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं और चाशनी को साइड हटा लेते हैं। डो को रखे 15 मिनट हो गए। अब हम हाथों पर घी लगाकर छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। देखिए हमारा गोला बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे गोले बना लेंगे। देखिए हमारे सारे गोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन रख दिया और इसमें घी डाल दिया। घी हमारा मेल्ट हो गया है। घी गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर दें। अब हम इसमें एक एक गोले डालकर फ्राई कर लेंगे। इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करें। देखिए कलर चेंज होने लगा है। देखिए ये फ्राई हुए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। निकालते ही इन्हें तुरंत गर्म चाशनी में डाल देते हैं। देखिए इसी तरह से हम अगला बैच भी फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे फ्राई हो गए। अब हम इन्हें चाशनी में डालकर 2 घंटे तक रख देते हैं। गुलाब जामुन को चाशनी में रखे 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। हमने 1 प्लेट में नारियल का बुरादा ले लिया है।
कढ़ाई में से एक एक गुलाब जामुन निकाल कर नारियल के बुरादे में अच्छे से लपेट कर इन्हें प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से आधे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे और आधे गुलाब जामुन चाशनी सहित प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे दोनों टाइप के गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। हमने एक टाइप के गुलाब जामुन से दो तरह के गुलाब जामुन तैयार किए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से बहुत ही कम समय में दो टाइप के गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप अपने भाइयों को राखी बांधते समय इन गुलाब जामुनों को खिला सकती हैं, मेहमान आने पर खिला सकती हैं। तो इस रक्षाबंधन आप भी इन गुलाब जामुनों को बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। चाशनी अधिक गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन अच्छे लगे हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।